dear students, how are you all? I hope from you, you are very, very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study. This is your new chapter, chapter number 10, reading comparison. Okay, introduction. We read a lot, think, in our everyday life. हम बहुत कुछ पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में. वी मे रीड फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर, फूड पैकेट्स, नेम्स ऑफ शॉप्स एक्सेट्रा. जैसे कि बुक से, न्यूज़पेपर से या फूड पैकेट कुछ लाते हैं तो उसका पैकेट ही पढ़ने लगते हैं, नहीं तो जो शॉप्स के नाम होते हैं वही पढ़ने लगते हैं चलते फिरते रोड में. तो हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वॉट वी आर रीडिंग. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दे आर सम टिप्स टू रिमेम्बर व्हाइल रीडिंग. यहाँ पे कुछ टिप्स आपको देंगे जो आपकी रीडिंग करें तो उसको याद रखें. लुक एट द पिक्चर इफ एनी टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज अबाउट. रीड द टाइटल ऑफ द पैसेज. ये पिक्चर देखिए और इसके बारे में एक टाइटल आप दीजिए. ठीक है, ये किस बारे में है, किस देख रहे हैं पिक्चर, ये किस बारे में पिक्चर है. ठीक है, इसके बारे में देखिए, इसके आगे मैं आगे बता रही हूँ. रीड द पैसेज के आप मेक पिक्चर्स इन योर माइंड अबाउट वॉट यू रीड. पहले तो आप वो पिक्चर बनाइए माइंड में कि आप पढ़ क्या रहे हैं. ट्राई टू फाइंड द मेन आइडिया इन द पैसेज. ये पैसेज पढ़िए. जैसे हैना इज हॉबी, हैना की हॉबी, हैना की हॉबी में देर वॉज अ लिटल गर्ल कॉल्ड हैना. शी लव टू रीड. शी यूज स्किल्स टू हेल्प हर रीड. वट एवर शी रीड समथिंग, शी फर्स्ट लुक एट द पिक्चर इन द बुक. She then read the title on the page. This is how she got a better idea about what she read. She used to make pictures of what she read in her mind. देखो क्या करती है वो, उसको पढ़ना बहुत पसंद है तो सबसे पहले वो पिक्चर देखती है, उससे रिलेटेड कि पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है, कि किस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद उस पिक्चर उस पैसेज का टाइटल देखती है, तब उसके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि हाँ हम इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो ठीक है, तो अब इसके हमने अभी रीडिंग किया, अब उस रीडिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उसके आंसर देने. जैसे आयना लव टू रीड. ठीक है, दूसरा व्हाट डिड आयना टू फर्स्ट. तो आयना सबसे पहले क्या देखती है, पिक्चर देखती है. ठीक है, How did she know what the book of the passage was about? Title देख करके. ठीक है, What did she do as she read? She made picture in her mind about she read. क्या वो पढ़ने जा रही है उसके बारे में वो picture बना लेती. अब इस पैसेज को पढ़ करके इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं आपको. ठीक है, और इसका मेन आइडिया फाइंड आउट करना है कि किस बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो ये आप खुद से करिएगा और करके इसको अपनी नोटबुक में लिख करके मेरे को भेजिए, यही आपका होमवर्क है. जैसे ऐसे आपको पैसेज दिया गया है, कोई रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर नोटबुक. ये एक्टिविटी थ्री. एक्टिविटी टू आप खुद से करोगे, थ्री मैं करा रही हूँ, उसी से मिलती जुलती है. तो जैसे कि द लिटिल गर्ल एंड द गोल्डन फ्रूट. सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है आपको, पिक्चर देखनी सबसे पहले. ठीक है, उसके बारे में पिक्चर देखनी है कि हम किस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस पिक्चर से आप क्या समझ रहे हो, नहीं समझ में आया. अब आप टाइटल देखो, द लिटिल गर्ल एंड द गोल्डन फ्रूट. हाँ, लिटिल गर्ल और वंस अपॉन अ टाइम दे आर लिव्ड अ गर्ल इन द फॉरेस्ट. तो क्वेश्चन क्या है, हुम डिड द लिटिल गर्ल लिव विथ. किसके साथ लिटिल गर्ल रहती. शी लिव्ड देयर विद हर ग्रैंड मदर, पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर. इन दोनों लोगों के साथ रहती. शी लिव्ड देयर विद हर ग्रैंड पेरेंट्स. ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं. पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर पैसेज पढ़ते जाएंगे, आपको उसके आंसर्स मिलते जाएंगे. ठीक है, ये आपको खुद से करना, कर लीजिए. तो हमने क्या सीखा है इस चैप्टर से,
टू रीड द पैसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज से, सबसे पहले उसको अच्छे से पैसेज को पढ़ो, उसके बाद ये देखो कि वो क्या कहना चाहता है पैसेज, टू फाइंड द मेन आइडिया फ्रॉम द पैसेज। अब उसका मेन आइडिया मतलब वो किस बारे में बात हो रही है पैसेज के, वो देखो, टू आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ठीक है। अब इतना करके आप मेरे को भेजिए, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख करके भेजेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।